तो आप देख सकते हैं भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो MTS की परीक्षा ली गई थी उसका क्वेश्चन सेट यही है। तो परीक्षा का डेट 11/10/2020 को, परीक्षा का नाम MTS, 3 साल का एग्जाम एक ही बार लिया गया था 18, 19, 20, तो उसकी वैकेंसी भी बड़ी थी और ज़्यादा आदमी का भी इसमें रिजल्ट हुआ था। तो ऊपर का क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, परीक्षा का दिशा निर्देश दिया जाता है, उसको आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन का अपना अपना सेट कोड अंकित किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेट ए मिला तो बगल वाले को भी सेट ए ही मिले, उसको कुछ दूसरा सेट मिलेगा, तो उन्हीं प्रकार से अल्फाबेटिकल सेट मिलता है। तो मुझे सेट ए मिला था, तो आप क्वेश्चन सेट ए के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछा जाता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ के आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि एक डाक क्षेत्र किसके अधीन होता है, तो इसके ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक को सेलेक्ट करनी होती है। तो ऑप्शन थे पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य डाकपाल, मुख्य पोस्ट मास्टर, प्रवर अधीक्षक। तो इसका सही आंसर था पोस्ट मास्टर जनरल। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड के कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड के 6 सदस्य हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित किस श्रेणी के डाकघर में सभी प्रकार का डाक व्यवसाय होता है। ऑप्शन प्रधान डाकघर, शाखा डाकघर, फ्रेंचाइजी ऑफिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधान डाकघर। प्रथम श्रेणी मुख्य डाकघर किसके नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन होता है। ऑप्शन है सीनियर पोस्ट मास्टर, दूसरा है ब्रांच पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर और उप डाकपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है चीफ पोस्ट मास्टर। शाखा डाकघर रोजाना अधिकतम कितने समय के लिए खुले रखे जा सकते हैं। तो ब्रांच ऑफिस की ड्यूटी 5 घंटे के लिए होती है, इसका आंसर बी, 5 घंटा। निम्नलिखित में किसको रविवार के दिन भी खुला रखा जा सकता है। तो आपको पता ही होगा रात्रि डाकघर रविवार को भी और छुट्टी के दिन भी खुले रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रात्रि डाकघर। 7 नंबर पे चलते हैं। फ्रैंक मशीन वस्तुओं को लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अधिकतम कितने डाकघर में पोस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन 4, 3, 2, 1, इसका करेक्ट आंसर सी, 2। पोस्टल डिवीजन मुख्य अधिकारी के वैध लाइसेंस के द्वारा निर्गमित फ्रैंकिंग मशीन कहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है उसी पोस्टल डिवीजन में। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय डाक टिकटों के अलावा जो टिकटें पहचानी नहीं जा सकती एवं जिनको डाक टिकट की अदायगी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्हें विरूपित किया जाना चाहिए, विरूपित नहीं किया जाना चाहिए, वस्तु को हटा लिया जाना चाहिए, वस्तु को डाकघर के द्वारा रोक लेनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी, विरूपित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट 10, प्रत्येक डाक वस्तु को तारीख अंकित किया जाना चाहिए कम से कम, 5 डाकघर, 4 डाकघर, 3 डाकघर, 2 डाकघर। तो इसका करेक्ट आंसर डी, 2 डाकघर, कम से कम 2 डाकघर की तारीख मोहर लगती है। अगर डाक वस्तु विदेश भेजी जा रही हो तो पता लिखा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हर एक साल PA हो, MTS हो या पोस्टमैन की एग्जाम हो, किसी न किसी एक में जरूर पूछा जाता है। इसको आप एकदम बढ़िया से अच्छे से देख लीजिए। और इसका करेक्ट आंसर डी, रोमन अक्षर और अरबी अंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में पोस्ट रेस्टोरेंट के बारे में क्या सत्य नहीं है। अजनबी यात्री एवं यात्रियों की सुविधा के लिए ये तो सत्य है, एक वह इसे 3 महीने के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी सत्य है। ऐसी वस्तुओं को डाकघर में 1 साल तक रखा जा सकता है, ये गलत, सी सी, इसका करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में क्या पोस्ट बॉक्स के बारे में सही, टर्न करना पड़ेगा, नहीं है।
इसका आंसर दिया गया था किराएदार किसी खास पोस्ट बॉक्स अंक मांग नहीं कर सकता। आंसर बी। 14 नंबर, पोस्ट बैग उपलब्ध होता है। पोस्ट बैग उपलब्ध होता है सभी शाखा डाकघर में, सभी उप डाकघर में, सभी डिलीवरी डाकघर में, सभी आरएमएस दफ्तर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी डिलीवरी डाकघरों में। 15 नंबर, निम्नलिखित में क्या डायरेक्ट पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन है ए बी सी डी और इसका करेक्ट आंसर है सी, वस्तुओं पर पाने वाले का पता लिखा होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी डाक सेवा आईबीपी मोबाइल ऐप द्वारा उपलब्ध है। आईबीपी मोबाइल ऐप में कौन सी सुविधा उपलब्ध है, एनएससी, केबीपी, एपीवाई या आरडी लोन लेना। तो डी आंसर सही है, आरडी से लोन लिया जा सकता है आईबीपी के द्वारा। अंतर्देशीय डाक सेवा के लिए कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित है। उसका आंसर दिया गया है भारतीय विस्फोट कानून 1984 के अंतर्गत, ए में, बी में कोई जीव, सी में 10,000 मूल्य से ज़्यादा के सोने के सिक्के या डी उपयुक्त सही। तो इसका करेक्ट आंसर डी, उपयुक्त सभी प्रतिबंधित हैं। 18 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा म्यूचुअल फंड नामांकित डाकघर में उपलब्ध है। यूटीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलएनटी म्यूचुअल फंड और रिलायंस म्यूचुअल फंड। तो इसका करेक्ट आंसर यूटीआई म्यूचुअल फंड। 18 नंबर हो के बाद आप 19 पर चलते हैं, यह भी फेरी इंपॉर्टेंट है। डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई। तो इसको 1884 में हुई थी, इसके करेक्ट आंसर बी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए योग्य होता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए योग्य कौन सा व्यक्ति हो सकता है, विदेशी नागरिक, प्रवासी भारतीय, देहात में रहने वाले नाबालिग, देहात में रहने वाले बालिग। तो ग्रामीण डाक जीवन के लिए डी करेक्ट है, देहात में रहने वाले भारतीय बालिग आदमी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा हो सकती है, 1.5 लाख रुपये। ऑप्शन बी, 1.5 लाख रुपये तक जमा हो सकती है। सुकन्या समृद्धि खाता आमतौर पर कितनी समय अवधि के बाद बंद हो सकती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 20, 14, 21 और 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 साल। क्वेश्चन 23 पे आज चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सर्विस ITPS के बारे में क्या सही है। तो इसके बारे में सही है बी, केवल एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए ये उपलब्ध होता है। ITPS केवल एशियाई पैसिफिक क्षेत्र के लिए ही उपलब्ध है। पुनः प्रेषण केंद्र RLO ये कहाँ स्थित होते हैं। तो ये स्थित होते हैं पोस्टल सर्किल हेडक्वार्टर में, 24 का ए नंबर। 25 पे चलते हैं, पारवहन मेल सेक्शन के सेट के प्रभारी को कहते हैं मेल गार्ड। ऑप्शन सी, मेल गार्ड कहते हैं। प्रधान अभिलेख कार्यालय, प्रधान अभिलेख कार्यालय होते आरएमएस के वेतन बिल तैयार करने का कार्य प्रधान अभिलेख कार्यालय को होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 27, निम्नलिखित में क्या बीमा थैला के लिए सही नहीं है। बीमा थैला के लिए क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बीमा पार्सल को सुरक्षित रखता है, कभी भी पार्सल थैले मेल बैग के अंदर रखकर नहीं भेजा सकता, यह अपेक्षित बैग नहीं होते हैं। डी, इसमें उल्लेखित सूचित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर दिया गया है बी, कभी भी पार्सल थैले मेल बैग के अंदर रखकर नहीं भेजे जा सकते। विशेष थैले के बारे में क्या सही है, ये 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। और इसका करेक्ट आंसर है जब यह भेजा जाता है तो इसे अनियत बैग की तरह माना जाता है। 28 के बाद 29, ट्रायल कार्ड अजमायशी कार्ड के पीछे लिखा होता है। अजमायशी ट्रायल कार्ड जिसे आप कहते हैं, प्राप्ति का स्रोत, डाकघर की तारीख मोहर, निपटान का तरीका, डी। तो इसका करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त सभी।
डाक थैला जिनमें रोकर थैला होता है को किस विभेदक चिन्ह सूचित करते हैं? कैशबैक के बारे में बात कर रहा है, डाक थैले जो कैश थैला होता है उसमें कौन सी सूचित किया जाता है, तो उसको एफ से सूचित किया जाता है। ऑप्शन सी को करेक्ट किया जाए। अब पार्ट बी में है, पार्ट बी में मैथ और आपका जीके जीएस आ जाता है, तो जीके का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पूछा गया था, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी सितारा, अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सीमा सेंचुरी और सीरियस सूर्य, तो इसका ऑप्शन डी सूर्य को दिया गया है। 32 में पूछा गया जादू खोरा का दान प्रख्यात है, तो यह यूनेनियम अयस्क के लिए प्रख्यात है। 33 कह रहा है अगर पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव अनिवार्य होता है 6 महीना के अंतर। पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर है जीवी मालवंकर। विलंबन खेल से निम्नलिखित संबंध होता है, विलंबन किसके लिए होता है? फुटबॉल, शतरंज, टेनिस, गोल्फ, ये टेनिस के लिए होता है, सी नंबर करेक्ट। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश की, समय की, यात्रा की, या ऑप्शन डी दूरी की? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दूरी की। 37 कहता है हड़प्पा मुद्राओं पर कौन सा जानवर निम्नलिखित में से चित्रित नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए गाय नहीं पाया जाता है। 38 पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा किला भारत में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले निर्मित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर सी फोर्ट सेंट जॉर्ज। 39, निम्नलिखित में कौन सा कौशल काम की जगह दूसरों को स्पष्ट संदेश देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है संचार। 40, गीतांजलि किसके द्वारा रचित है? तो आपको जनरली पता ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं जो आपको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 41, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। 41, मैथ आसान ही होता है, ज़्यादा भारी होता नहीं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो सभी के सभी आप ठीक कर सकते हैं, बना सकते हैं। और याद रखिए 2 नंबर का पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन का 2 अंक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप क्वेश्चन देख लीजिए, अपना नोट कर लीजिएगा, वीडियो को प्रेस करके। तो 48, 49, 50, यही क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 के बारे में एक बात आपको जाननी ज़रूरी है, पेपर 2 में बस पासिंग मार्क ही लाना होता है और जो आपका मेरिट बनता है इसमें पेपर 2 का अंक नहीं जोड़ा जाता है, इसमें बस आपको सिर्फ पास करना होता है और ये जनरली बहुत ही आसान होता है, तो एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित में 1 से 15 तक अंग्रेजी शब्दों को दिए गए हिंदी शब्द विकल्पों में से सही को चुनना है, तो देख लेते हैं। इसमें डोमिसिल, इसका करेक्ट हिंदी होता है अधिवास, सॉर्टिंग मतलब छटाई, डिस्पैच प्रेषण, 4 नंबर स्किल कौशल, सेविंग बचत, कुरियस जिज्ञासु, डिपॉजिट जमा, इंस्पेक्शन निरीक्षक। ये काफ़ी इजी होते हैं, जनरली इसमें कोई फेल नहीं होता है, फिर भी क्वेश्चन है मेरे पास तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए। विजन, 1 मिनट, विजन, टेम्पोररी एक्यूजेशन, अकाउंट,
सारे में हम टिक लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। आइसोलेशन इस बार जुड़ा हुआ था कोरोना के वक्त, एकांत, इंक्वायरी, जांच और कुछ पैराग्राफ लिखने होते हैं, उस क्या पूछा गया था वही पर, वहाँ पे इंग्लिश से हिंदी था, यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश करने हैं, तो आप देख लीजिए। विधिक, लीगल, सेवा, सर्विस, परामर्श, कंसल्टेशन, शिकायत, कंप्लेन, भुगतान, पेमेंट, विषय, सब्जेक्ट, काफ़ी आसान पूछे जाते हैं। अब शेष रिमेन विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, छुट्टी, हॉलीडे, लीव, आत्मनिर्भर, आवंटन, निस्तारण विकल्प, यही सब हैं। और आपको एक लेख और एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, वो मैं इस टाइप से होता है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 3 ऑप्शन दिया जाता है, किसी एक पे लिखा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था ब्रांच पोस्टमास्टर के पास लिखने के लिए, पोस्टमास्टर के पास छुट्टी के बीमारी के तहत छुट्टी लेने के लिए विनती पत्र बोला गया था, बच्चों को शिक्षा भत्ता प्राप्त नहीं होने पर प्रवर अधीक्षक को लिख, तो आप तीनों में से किसी एक पे आप लेख लिख सकते हैं। और इधर पैराग्राफ लिखने को कह रहे हैं, छठ पे, आधार पे, कोरोना महामारी पे, तो आप जिसमें सुविधा हो उसमें आप लिख के लिख सकते हैं। तो यही था MTS भारतीय डाक विभाग बिहार परिमंडल पटना बिहार सर्किल का ये MTS का पेपर 2। तो आई होप बड़ा आसान आपको लगा होगा और आप आसानी से इसको पास कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।